मध्य प्रदेश में मिशन अंकुर के रूप में लागू अभियान के अंतर्गत फरवरी 2024 में सभी जिलों के स्कूलों का मूल्यांकन किया। अभियान की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट का अनावरण स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने किया। मूल्यांकन रिपोर्ट अनावरण के अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान को बढ़ावा देने का हमारा उद्देश्य है। कक्षा 3 के 39% बच्चे हिंदी में निपुण हैं। अभी अंग्रेजी और गणित में निपुणता के लिए प्रयास करने होंगे। बढ़ी हुई स्कूल फीस को लेकर मंत्री उदय प्रताप ने कहा कि किसी स्कूल ने नियम वितरित फीस जमा बढ़ाई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं कई शिक्षक 20-25 सालों से एक स्थान पर ही जमे है, ऐसे शिक्षकों को दूसरे स्थान पर भेजा जाएगा। सांसद है वो एक-एक स्कूलों की जिम्मेदारी लें ताकि वहाँ पे और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, डेवलपमेंट हो। ये हम लोग लगातार इस पे पहले से सोच रहे थे। हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय मोहन यादव जी का ये बड़ा मन था, इसमें उनका बड़ा सहयोग रहा कि मध्य प्रदेश में 18 तारीख से 18, 19, 20 तीन दिन हम स्कूल चलो अभियान का एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। स्कूल चलो अभियान हर साल होता है लेकिन इस बार हम उसमें लोगों की सहभागिता सुनिश्चित कर रहे हैं। एक दिन हम दे रहे हैं जब हम बच्चों के साथ बात करेंगे, बच्चे स्कूल में आए, सरकारी स्कूल में एडमिट हों और उसमें हम भी जाएंगे, उस क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं, उस क्षेत्र के जो अधिकारी हैं, MLAs हैं, मंत्री हैं, वो सब भी शामिल होंगे अलग अलग स्कूलों में, एक त्यौहार की तरह मनाएंगे। दूसरे दिन हम लोग जाएंगे जब पालकों के साथ इंट्रैक्शन करेंगे कि उस स्कूल का हमारा जो एक्स स्टूडेंट है आज कहीं अधिकारी बन गया, कहीं सोशल एक्टिविस्ट है, नेता है, साइंटिस्ट है, ऐसे लोगों को हम बुलाएं, पालकों को कन्विंस करें कि भाई जब इस स्कूल में पढ़ के हम यहाँ पहुँच सकते हैं तो आपका बच्चा भी जा सकता है। तो आप भरोसा करके हमारे शासकीय तंत्र पे, हमारे गवर्नमेंट के स्कूल पे आप विश्वास करके एक बेहतर शिक्षा की हम कोशिश कर रहे हैं, तो पालकों को कन्विंस करना। और तीसरे दिन एक उत्सव की तरह बच्चों के साथ इंट्रैक्शन करेंगे, बच्चों के साथ ही हम भोजन करेंगे, बच्चों के साथ मतलब जो उस क्षेत्र के प्रमुख लोग हैं, विधायक हैं, अधिकारी हैं, इस तरह से शामिल होंगे। साथ ही हमने एक अपेक्षा की है, मैं स्वयं भी एक स्कूल तय करूंगा जिसमें बार बार जाया करूंगा, PS मैम भी तय करेंगी। हमने अपेक्षा की है कि जिले के कलेक्टर भी एक जब तक वो उस जिले में रहेंगे किस स्कूल में जाएंगे, महीने में अगर एक बार भी गए तो वहाँ बच्चों को लगेगा कि हमारे पास DM आएंगे, तहसीलदार आएंगे, SDM आएंगे, DO एक स्कूल लेगा। तो ऐसे करके हजारों की संख्या में हम स्कूल्स में सीधा हम उसके साथ जुड़ जाएंगे। और जब एक अनुभवी व्यक्ति जुड़ता है या सिस्टम से हटके कोई नए व्यक्ति की वहाँ पर एंट्री होती है, उसके लिए बच्चों के मन में एक चार्म रहता है कि हमारे बीच वो आते हैं, शिक्षकों को भी लगेगा कि हमको कोई मॉनिटर कर रहा है, हमको कोई सहयोग कर रहा है। तो एक हमने कल्पना की है, अगर ये साकार होगी तो मुझे लगता है इसके बेहतर परिणाम आएंगे। नहीं, बिल्कुल भोपाल में भी कार्रवाई चल रही है, जबलपुर में अखबारों को खबर मिली इसलिए आप इस बात को इंगित कर रहे हैं, भोपाल में अखबारों को खबर जब मिलेगी, जब उसके परिणाम आएंगे, लगातार हम लोग फोकस करके मध्य प्रदेश के हर जिले में और हर ऐसे स्कूल में जिसने फीस को बहुत हमारा जो एक बैरियर है उसको तोड़ने की कोशिश की है। 10% फीस बढ़ा सकते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर साल 10% बढ़ा हुआ, और जिले की हमारी जो समिति है उसको खबर करके, उससे परामर्श करके बढ़ा सकते हो आप। और दूसरा कि वो स्कूल की प्रवृत्ति दिखती है कि कोई स्कूल ऐसा है जिसकी पूरे साल की फीस ही 10,000 है, अगर उसने 10,500 कर दी तो लगेगा कि ये इसने उस बैरियर को तोड़ा है, लेकिन वो चूंकि कम फीस वाला स्कूल है, किसी की 2.5 लाख फीस है, उसने 10% बढ़ाई तो 25,000 सीधी बढ़ेगी, तो उसको चेक करने की आवश्यकता है। ऐसा आपने क्या इसमें जोड़ लिया कि 25,000 रुपये की एडिशनल आपको एक बच्चे से फीस लेने की आवश्यकता है। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, इस मैकेनिज्म को एक हम डेवलप कर रहे हैं, इसमें अगले 4-6 महीने में एक अच्छा तंत्र विकसित करेंगे और हमारा पोर्टल जो है उस पोर्टल को भी हम ठीक कर रहे हैं। अभी पोर्टल की कमियों के कारण, उसकी विसंगतियों के कारण भी लोगों को उसमें थोड़ा सा स्पेस मिलता है गड़बड़ी करने का, वो पोर्टल जब अच्छा हो जाएगा, सही काम करेगा और हर हाल में आपको समय पे आपको चीज़ों को उसके अंदर दर्ज करने की आवश्यकता, उसको आप करोगे तो चीज़ें हमारे जहन में होंगी कौन स्कूल किस तरह से आगे बढ़ रहा है, तो उस पर काम कर रही सरकार, हमारा डिपार्टमेंट भी पूरी संजीदगी के। दो विषय थे कि स्कूल लेकर 3 साल पहले ट्रांसफर पॉलिसी भी नहीं बनी थी जिसको इंप्लीमेंट होना था, वो 3 साल नहीं, हम लोग उसको कर रहे हैं, सख्ती से करेंगे और युक्ति युक्तकरण का जो काम है उसको हम प्रायोरिटी पे करने वाले हैं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी मंशा है
कि जो बहुत लंबे समय से एक ही जगह पर जो हैं 15-15, 20-25 साल से, उनको भी आसपास कहीं ना कहीं करने की आवश्यकता है। बच्चों के मान से अगर टीचर्स की संख्या ज़्यादा है तो उनको भी कम करने की आवश्यकता है। जहाँ पर बच्चे ज़्यादा हैं टीचर्स कम हैं, तो इस पर हमारा डिपार्टमेंट काम कर रहा है और जल्दी हम नीति भी लेकर आ रहे हैं और इसको अमली जामा भी पहनाने वाले हैं।